बस अड्डा सुंदरनगर में निगम प्रबंधन के खिलाफ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। हुआ यूं कि संस्कृत महाविद्यालय के छात्र बस पास बनवाने के लिए काउंटर खोलने की मांग कर रहे थे, जिस पर निगम कर्मियों ने छात्रों के साथ बस सलूकी की। बस फिर क्या था, छात्रों ने हल्ला बोल दिया। छात्रों ने कहा कि प्रबंधन द्वारा छात्रों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की घटना की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर से शिकायत की जाएगी। वहीं एचआरटीसी के आरएम उत्तम चंद शर्मा ने बताया कि मामले की शिकायत आई है तथा छानबीन की जा रही है। वहीं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के छात्र ने बताया कि परीक्षा नजदीक होने के चलते पास बनवाने के लिए बस अड्डा सुंदरनगर में पास काउंटर खोलने की मांग की गई थी, जिस पर निगम के कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया, जिसके चलते छात्रों ने बस स्टैंड प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया और नारेबाजी की। आज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर के छात्र एवं छात्राएं कॉलेज पास बनाने के लिए जब बस स्टैंड गए तो वहां के बस स्टैंड के कर्मचारियों ने पास बनाने से मना कर दिया। जब छात्राओं ने कहा कि हमारी परीक्षाएं आने वाली है तो हम रोज रोज बस स्टैंड नहीं आ सकते, तब एक महिला कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि तुम लोग एक दिन पढ़ करके कौन सा लेक्चरर बन जाओगे, और खरीकोटी भी सुनाई। तो महिला कर्मचारी की इस बात पर पूरा संस्कृत महाविद्यालय बस स्टैंड पहुंचा और धरना प्रदर्शन करते हुए एचआरटीसी सुंदरनगर के खिलाफ नारेबाजी की।